हेलो हाय नमस्ते सलाम, मैं उमर्शल। चैनल का नाम है तकनीक बनता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार की बैटरी और उसकी चार्जिंग के बारे में। क्योंकि अगर आप अपनी कार को बहुत टाइम तक यूज नहीं करते हो या फिर उसके इंजन को स्टार्ट नहीं करते हो, तो आपकी बैटरी धीरे धीरे डाउन होने लगती है और वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। और फिर अगर आप इस डेड बैटरी से अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को केवल एक ही सोल्यूशन नजर आता है कि भैया, अब तो हमें कार को धक्का मारना पड़ेगा और तभी ये स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा दूसरे सोल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे कि आप ऐसी कार की हेल्प ले सकते हो जिसकी बैटरी ऑलरेडी चार्ज है और उसकी हेल्प से अपनी कार को जंप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर कार बैटरी चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो जो मार्केट में 1500 से लेकर 3000 की रेंज में डिफरेंट वैरायटीज के मिलते हैं और इनकी हेल्प से अपनी कार बैटरी को चार्ज कर सकते हो, फिर उससे गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने घर पे अवेलेबल चीजों से एक कार बैटरी चार्जर को बनाया और उसको मैं आपको अपनी कार बैटरी पर टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसा काम करता है और आपको भी ये बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारी कार में। की सॉकेट में की को टर्न करके स्विच ऑन करने पर यहाँ पे डिस्प्ले आता है लेकिन फिर बंद हो जाता है। इसका मतलब हमारी बैटरी डाउन है। लेकिन फिर भी हम एक ट्राई करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार में से आवाज तो आती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है और डिस्प्ले तो यहाँ पर शो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कार की बैटरी पूरी तरह से डाउन है। इसे चेक करने के लिए हम बैटरी को चेक करेंगे। इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पर वोल्टेज पर सेट कर दिया है और ये ब्लैक वायर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और यहाँ पर आप पॉजिटिव की मार्किंग भी देख सकते हैं। आप कलर से भी पहचान सकते हैं, रेड कलर का टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब मैं ब्लैक प्रोब को यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से और रेड प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मल्टीमीटर में रीडिंग 10.99 वोल्टेज शो करती है, जो कि बहुत कम है। एक हेल्दी बैटरी जो कि चार्ज है उसके मिनिमम वोल्टेज 12.5 वोल्ट होने चाहिए और इससे ये बहुत कम है। तो इस बैटरी को खोलने के लिए इन टर्मिनल्स को खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम इन नट्स को लूज कर लेते हैं और इन टर्मिनल्स को बारी बारी से रिमूव कर लेते हैं। लेकिन आपको इन टर्मिनल्स को खोलते टाइम एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों टर्मिनल को कभी भी आपस में टच नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन्हें टच करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो स्पार्किंग हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है। तो इनको सेफली रिमूव करना है। अब इस बैटरी को इसमें से निकालने के लिए इस क्लिप को रिमूव करना होगा। इसके लिए इस नट को ओपन कर लेते हैं और ये मैंने क्लिप को यहाँ पर रिमूव कर लिया है। अब ये बैटरी पूरी तरह से फ्री है। इसको कार में से निकालने के लिए इसके हैंडल ओपन करेंगे और इन हैंडल को पकड़ के इसको कार में से खींच कर बाहर निकाल लेंगे। कार बैटरी चार्जर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 3 मोबाइल चार्जर्स की। ये 5 वोल्ट के होते हैं और एम्पियर इनके डिफरेंट होते हैं, जितने ज्यादा एम्पियर हो उतना ही अच्छा है। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ने वाली है 3 माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल की। ये मैंने पावर बैंक की चार्जिंग केबल यूज की है, आप नॉर्मल वाली भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है 2 वायर के पीस जो कि इलेक्ट्रिक ग्रेड वायर है, लगभग 1 फुट लंबा है। ये ज्यादा एम्पियर को आसानी से झेल सकते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड दूर है तो मैंने उसको सप्लाई को पास लाने के लिए ये मेल फीमेल 2 पिन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ये है सोल्जिंग आयरन, सोल्जिंग वायर, सोल्जिंग पेस्ट, एक वायर कटर, इलेक्ट्रिक ग्रेड टेप और मल्टीमीटर। इसमें से बहुत सारे सामान की हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने वीडियो शूट करने के लिए इतने सारे सामान का इस्तेमाल किया है। इसमें से कंपलसरी सामान केवल मोबाइल चार्जर, चार्जिंग केबल और 2 वायर के पीस हैं। इसके अलावा 2 क्रोकोडाइल क्लिप की आपको जरूरत पड़ेगी जो मैं आगे दिखाऊंगा। अब चार्जिंग केबल बनाने के लिए आपको इन केबल्स को कट कर लेना है। यहाँ से जो सिरा आप मोबाइल में इंसर्ट करते हो वो सिरा आपको कट कर लेना है। ऐसे तीनों केबल्स का आपको कट कर लेना है। इसके बाद में इसको 1 इंच नीचे से आपको छील लेना है। और देखिए, छीलने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 2 वायर इसके अंदर से निकालने पड़ेंगे और उनको भी छील लेना होगा। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये। यहाँ पर रेड वायर पॉजिटिव वायर होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया डीसी सर्किट में रेड वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं और इसे चेक करने के लिए मैंने चार्जर से कनेक्ट कर दिया है और मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर दिया है। अब मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब मतलब रेड प्रोब को मैं रेड वायर से कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव प्रोब को व्हाइट वायर से कनेक्ट करूंगा। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 5 वोल्टेज शो कर रहा है और ये पॉजिटिव है, मतलब हमने सर्किट सही बनाया है, मतलब रेड वायर पॉजिटिव है। अब मैं इसका अगर इन्वर्स करता, मतलब मैं रेड प्रोब को व्हाइट वायर से कनेक्ट करता और ब्लैक प्रोब को रेड वायर से कनेक्ट करता, तो देखिए वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही शो करता लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता, मतलब ये सर्किट गलत है, मतलब रेड वायर पॉजिटिव वायर है।
अब हमें इन तीनों केबल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है, और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए एक के पॉजिटिव वायर को दूसरे के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना क्या है, इस रेड वाले वायर को इस व्हाइट वाले वायर से कनेक्ट करना है। तो आइए हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इस लूज व्हाइट वायर को दूसरी केबल के रेड वायर से कनेक्ट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन मिलेगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में व्हाइट वायर सिंगल बचेगा और राइट हैंड साइड में रेड वायर सिंगल बचेगा। अब आपने जो वायर के पीस लिए थे उनको यहाँ पर सिंगल एंड पर कनेक्ट कर देना है, मतलब जो सिंगल रेड वायर बचा था उसमें एक वायर का पीस कनेक्ट कर देंगे और सिंगल व्हाइट जो बचा था उसमें दूसरा रेड वायर कनेक्ट कर देंगे। सभी वायर्स को कनेक्ट करने के बाद में ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है। अब आप यहाँ पर इनके सिरों को टर्न करके टेप से कवर कर सकते हैं और इसे यहीं पर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सोल्डिंग करके और मजबूत कर लेता हूँ और अब टेप से कवर कर लेता हूँ। अब आपको जरूरत पड़ेगी दो क्रोकोडाइल क्लिप की, जो कि आपको मार्केट में 25 से 30 रुपए का एक पेयर आसानी से मिल जाएगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी कलर में लेकर आएं ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने में आसानी हो। अब हमने ये सर्किट बनाया था जिसके ये दो वायर के सिरे लूज रह गए थे, तो इन लूज सिरों को इनके पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से करस्पॉन्डिंग क्लिप से हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये वाला वायर पॉजिटिव वायर है, तो इसको इस क्लिप से कनेक्ट करने के लिए इस केप को रिमूव करेंगे और इस केप में इस वायर को इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला वायर इस सर्किट के रेड वायर से कनेक्ट है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो हम इसको रेड क्लिप से अटैच कर रहे हैं। इसको अटैच करने के लिए मैं सोल्डिंग कर रहा हूं, आप इसको सिंपली नट बोल्ट से टाइट भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरी क्लिप भी तैयार कर लेता हूं और अब इस केप को अपनी पोजिशन पर सेट कर देते हैं। आइए अब इसे चार्जर से कनेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए देखिए मैंने सभी पिंस को चार्जर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर दिया है। अब मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब और नेगेटिव प्रोब, जो कि रेड और ब्लैक से इंडिकेट होता है, को करस्पॉन्डिंग क्लिप पर मैं टच करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.34 की यहाँ पर रीडिंग आपको शो करती है, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए सफिशियंट है। तो ये है हमारी बैटरी। अब ये थोड़ी सी गंदी है तो इसको साफ कर लेते हैं। और चार्जिंग के लिए हमने यहाँ पर ये चार्जिंग सर्किट बनाया था, जिसको हमने चार्जर के साथ में कनेक्ट कर रखा है। इसमें रेड क्लिप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और ब्लैक क्लिप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि इसके वोल्टेज चार्जिंग टाइम पर ये कितने शो कर रहा है। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं ये 11.35 के लगभग वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज ले रहा है। इसका करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को करंट पे सेट करते हैं और आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि करंट अभी बहुत कम शो कर रहा है। इसका रीजन ये है कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है और अभी ये चार्ज लेने में भी रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लिप को वापस से इस पर अटैच कर देना है और इसको चार्ज होने देना है और बस हमें वेट करना है। अब देखिए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और ये होपफुली चार्ज हुई होगी थोड़ी सी। इसको चेक करने के लिए हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे और यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज पर सेट कर रखा है और आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में वोल्टेज 12.5 के लगभग दिखा रहा है, मतलब इसने चार्ज होना स्टार्ट कर दिया है और अभी थोड़ा सा ही चार्ज हुआ है, तो हम इसे रिकनेक्ट कर देंगे और इसे चार्ज होने के लिए प्रॉपर टाइम देंगे। अब देखिए लगभग 25 घंटे हो चुके हैं और मैंने 25 घंटे वेट क्यों किया, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका चार्जिंग के टाइम पर वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं कि ये कितने वोल्टेज शो करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में रीडिंग 13.89 शो कर रही है। अब इसका करंट चेक कर लेते हैं कि करंट कितना शो कर रहा है। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 1.62 एम्पियर शो कर रहा है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 35 AH की बैटरी को इतने एम्पियर से चार्ज देने पर लगभग 22 से 23 घंटे में वो फुल चार्ज होती है। शुरू में 2-3 घंटे में इसने चार्ज नहीं लिया था, इसलिए मैंने 25 घंटे वेट किया है। अब इस बैटरी का वोल्टेज हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 12.98 शो करता है, लेकिन ये सरफेस वोल्टेज है और इसका एक्चुअल वोल्टेज 12.7 और 8 के बीच में कहीं पर होगा, तो इसका मतलब ये 100% चार्ज हो चुकी है। तो आइए अब इसे कार में इंसर्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं।
तो इसे कार में दोबारा लगाने के लिए हमें उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना होगा जिस प्रोसेस से हमने बैटरी को निकाला था। इसमें हमें पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव केबल से अटैच करना है, लेकिन उसके पहले हमें टर्मिनल को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। किसी तरह का रस्ट या गंदगी उस पर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको कनेक्शन अच्छा मिलेगा और बैटरी को चार्ज अच्छा मिलेगा और साथ में बैटरी से कार को करंट भी अच्छा मिलेगा। टर्मिनल्स को सही तरीके से टाइट करने से इसमें स्पार्किंग का खतरा भी खत्म हो जाता है, तो इन्हें प्रॉपर तरीके से टाइट करना चाहिए। अब हम कार स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारी कार स्टार्ट होती भी है या नहीं। और जैसे ही की टर्न करते हैं, देखिए डिस्प्ले ऑन हो जाता है, लेकिन अभी कार को इग्निशन ऑन नहीं करना है, क्योंकि अभी वेट करना है जब तक फ्यूल पंप फ्यूल को इंजन तक पहुंचा नहीं देता। उसके बाद में हम एक अटेम्प्ट करेंगे कार को स्टार्ट करने की। और जैसे ही देखिए आप इग्निशन ऑन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब हमारी बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज हो गई थी, लेकिन अभी हमें कार को बंद नहीं करना है, अभी कुछ टाइम तक चलते रहने देना है, ताकि अगर कोई कसर बाकी भी रह गई हो तो वो आपकी कार कंप्लीट कर दे। तो दोस्तों थाना कमाल का प्रोजेक्ट मतलब हमारा कुछ खर्चा भी नहीं आया और हमारी कार बैटरी के लिए चार्जर भी बन गया, क्योंकि दोस्तों जो इसमें हमने चार्जर इस्तेमाल किए हैं उनसे तो अभी भी हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। केवल हमारा खर्चा इसमें आया है तो दो क्रोकोडाइल क्लिप्स का और उन तीन चार्जिंग केबल्स का। लेकिन दोस्तों चार्जिंग केबल आपको आपके घर पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में एक चार्जिंग केबल आती है जो कि फालतू में ही पड़ी रहती है, क्योंकि हम उसको चार्ज करने के लिए भी हमारे मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आपको मार्केट में आसानी से वो छोटी वाली चार्जिंग केबल 25 से 30 रुपए की एक पीस मिल जाएगी, और क्रोकोडाइल क्लिप तो आपको 25-30 रुपए का एक पेयर मिल ही जाएगा। मतलब 100-125 रुपए में आपका कार बैटरी चार्जर बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज का सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले किसी भी चीज को रिपेयर नहीं किया है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस वीडियो को केवल आप इंजॉय करने के लिए देखो, फॉलो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आपने कोई भी कनेक्शन गलत कर दिया या फिर लूज छोड़ दिया तो इसमें स्पार्किंग हो सकती है और आपकी कार में आग भी लग सकती है। लेकिन जो एंथुजियास्टिक लोग हैं और थोड़ी बहुत टेक्निकल समझ भी रखते हैं और इस वीडियो को देखकर अपने लिए कार बैटरी चार्जर को बनाया है, तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर करो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गोल बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।